नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। कैश कांड और 6 दिनों की रिमांड, ईडी की गात से क्या करप्शन की राज खोलेंगे? जी हां, ये सवाल इस वक्त पूरा झारखंड पूछ रहा है, और पूछ रहा है किसके लिए? झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के लिए, क्योंकि कैश कांड में मंत्री जी 6 दिनों की रिमांड पर चले गए हैं, और अब मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कुछ इस कदर बढ़ गई कि अब जब वो रिमांड में रहेंगे तो जाहिर सी बात है राज भी खोलेंगे, और रिमांड में सवाल भी होंगे, तो जब सवाल होंगे तो बवाल भी होगा, और जब मंत्री से पूछताछ होगी तो इस पूछताछ की आंच कहां तक जाएगी, यह भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है जो झारखंड की जनता इस वक्त पूछ रही है और पूछेंगे हम भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्त में जब झारखंड सरकार के मंत्री हैं तो ईडी की गात से खुला करप्शन का राज। तो आखिरकार कहां तक पैसों का अंबार छुपा है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि गिरफ्त में जब झारखंड के मंत्री हैं तो उनकी मुश्किलें तो बरकरार हैं। नाम सिर्फ एक नहीं, नाम सिर्फ मंत्री जी का नहीं, बल्कि मंत्री जी के साथ मंत्री जी के ओएसडी यानी कि सचिव के नौकर और जाने कहां कहां तक तार। ऐसे में पहले झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल चले गए, आज तक जेल में। नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, और इस सरकार में भी मंत्री बने आलमगीर आलम। लेकिन दरअसल जब ईडी की रेड हुई ना, तो वो जो तस्वीर निकल कर आई वो देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि नोट इतने थे, नोटों का अंबार इतना था कि नोट गिनने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ गई। कैश कांड, मंत्री की 6 दिनों की रिमांड, मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ रही मुश्किलें, 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड, खुलेंगे राज। कमीशन खोरी मामले में गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मंत्री जी को बुधवार को शाम के वक्त गिरफ्तार कर दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कैश कांड को लेकर जल्द ही ईडी की जांच की आंच कई अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंच सकती है। इससे पहले आलमगीर आलम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में, और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई बिना सबूत के, बिना कोई आधार का, कि वो कांग्रेस के मंत्री हैं। क्योंकि अगर वो अजीत पवार जैसे होते, छगन भुजबल जी जैसे होते, नारायण राणे जैसे होते, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार नहीं करवाती। रेवन्ना जो बलात्कारी है, दुराचारी है, प्रधानमंत्री उसके साथ मंच साझा करते हों, चिन्मयानंद बाहर है, तो स्वाभाविक तौर पे उन व्यक्तियों को सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर महंगाई पर बात कर रहा हो, बेरोजगारी पर बात कर रहा हो। 6 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया, और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा।
चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। गुरुवार दोपहर पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी। यानी 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे मंत्री जी। इस मामले में ईडी की तरफ से बहस करने आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से जब्त कैश की और से मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर रिमांड मांगी गई थी। हमने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से आलमगीर आलम के मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर बात रखी गई। वहीं खबर ये भी है कि ईडी कार्यालय में पूछताछ के पहले दौर में मंत्री आलमगीर आलम अपने सचिव के कारनामों की जानकारी होने से इनकार कर रहे थे। जहांगीर के पास से मिले करोड़ों रुपए के बारे में वो गोलमोल जवाब दे रहे थे, मगर ईडी को मिले सबूत के सामने उनकी दलीलें टिक नहीं पा रही थी। पूछताछ के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने हर मामले में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। खैर, कैश कांड को लेकर सुलगती सियासत आने वाले दिनों में किस किस को अपनी जांच की आंच के दायरे में लपेटेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो ये आज कहां कहां तक पहुंचेगी और जांच से क्या कुछ खुलासा होगा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बता देते हैं। दरअसल प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और इसके बाद 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, इसके आगे बात करें तो दरअसल 22 मई तक ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम रहेंगे और ईडी की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलीलें रखी। जब कैश और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर रिमांड की मांग की गई थी, 10 दिन की मांग की गई थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड दी गई है। तो अदालत से 6 दिनों की रिमांड मिली है फिलहाल। दूसरे पक्ष ने आलमगीर आलम के मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया और रिमांड के लिए मना किया। ईडी ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की थी। तो कैश कांड और मंत्री की 6 दिनों की रिमांड अपने आप में महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण तथ्य इस केस से जुड़े हुए। जिस तरह से गुरुवार दोपहर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और फिर ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी गई, 22 मई तक ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम रहेंगे, और ईडी की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने यह बहस की है। तो जहां पर कैश कांड में मंत्री की 6 दिनों की रिमांड दे दी गई, बड़ी बात यह कि कैश कांड और मंत्री की 6 दिन की रिमांड है। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड। सवाल ये कितने खुलेंगे राज। और इसी पर चर्चा लगातार जारी है और चर्चा की शुरुआत भी करेंगे तीखे सवालों के साथ, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चूंकि सवाल कई सारे अहम हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, प्रेम मित्तल है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ रियाज अहमद है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, रियाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, और AS देओल साहब है JMM के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अपनी आवाज को, अपनी बात को खुलकर रखते हैं। प्रेम मित्तल जी, ये
अब तो इंतहा होती जा रही है, इस बात की इंतहा होती जा रही है। चलिए मेरी आवाज शायद अब तक नहीं पहुंच पा रही है प्रेम मित्तल जी तक, देउल साहब आपके पास आ जाता हूं। देउल साहब, चूंकि पहले बात पहुंची थी पीएस के स्टाफ तक और स्टाफ से बात चूंकि फिर पीएस, और अब सीधे आज जो है वो मंत्री जी तक पहुंच गई है, और चूंकि बड़ी जिम्मेदार वाला पद है, सरकार में मंत्री हैं और 6 दिन की अब रिमांड हो गई है, तो सर कहीं ना कहीं करप्शन के मसले पर, जो हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, हालांकि उसमें कई सारे लूपहोल्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई जो है ये झारखंड में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर आएगी आप लोगों को? सबसे पहले तो अजीतेश जी ये शुक्रिया मुझे इस डिबेट पर बुलाने का। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है भ्रष्टाचार का। देखिए, जिस तरह से ये पैसे पकड़े गए हैं, ये किसी तरह से भी अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए कि ये पैसे आए कहां से। मैं तो यही मांग करूंगा कि इसे कि पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाएं और बहुत न्यूट्रल होके जांच करें कि ये पैसा उनके पास पहुंचा कैसे। जी देखिए, पैसा पकड़ा गया जिनके पास, वो मंत्री के पीएस से, मंत्री के पीएस के आगे से बच्चे। हाँ। तो अब ईडी ने जो कोर्ट में आरोप लगाया है कि 1.5% मंत्री जी को पहुंचता था, बाकी जो पैसे थे वो नीचे बड़ा बाबू से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो आप देखिए कि कितनी चलाकी से, मैं किसी तरह से ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों मंत्री जी पे ये एक्शन लिया गया, क्यों मंत्री जी को हिरासत में लिया गया। ये जनता के क्योंकि कोर्ट में केस है और जनता समझ रही है क्यों किया गया, बट वो कहां, सेक्रेटरी क्यों नहीं अरेस्ट हुए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स क्यों नहीं अरेस्ट हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जिस ठेकेदारों के घर पे पैसा मिला और जो कह रहे हैं, तो जब करप्शन होता है तो देने वाला, अगर जितना लेने वाला जिम्मेवार है, देने वाला भी उतना जिम्मेवार है। बिल्कुल बराबर का जिम्मेदार। तो खाली लेने वाले को आपने, अगर वो भी अभी प्रूव होना है कि बाकी मंत्री ने लिया कि नहीं, कोर्ट का डिसीजन है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा, बट बाकी लोगों को क्यों छोड़ के रखा हुआ है? सबको एक साथ आप जब अरेस्ट कर ही रहे हो तो सबको उठाओ भाई। और सबसे बड़ी बात है कि यही सचिव, यही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यही जूनियर इंजीनियर, क्या 2019 के जब से आलमगीर आलम साहब मंत्री बने तब से भ्रष्ट हुए हैं कि ये बीजेपी के भी तो ये चाह के भी नहीं लाना चाहते सामने। तो मैं तो चाहता हूं कि पूरी की पूरी पिक्चर सबको नंगा कर दिया जाए, जो जिसने भी पैसा लिया वो जेल जाएगा। मैं किसी तरह से किसी का हक में नहीं बोलूंगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट सबको जेल भेजो। अकेले आलमगीर आलम को जेल भेजने से और अपनी छाती ठोकने से कि हम करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये दोगलापन है बीजेपी का और ईडी का। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार रियाज भाई अपनी और इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद जरा प्रेम मित्तल के पास चलेंगे और उनसे कुछ मेरे पास जरूरी सवाल है जो उनसे मैं जरूर करना चाहूंगा इस पूरी कार्रवाई को लेकर। रियाज भाई, चूंकि आप कांग्रेस से भी हैं, हालांकि देउल साहब तो देखिए पूरी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और जाहिर सी बात है करेंगे भी, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस से हैं और मंत्री जी जो हैं वो भी कांग्रेस से हैं, इस पूरी कार्रवाई के भीतर कई सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जिक्र देउल साहब ने भी किया, जो ईडी की तरफ से खामी है, लेकिन एक खामी यहां पर यह भी बनती है कि दरअसल जिस मंत्री के पीए और उनके स्टाफ के यहां पैसे ही सब पकड़े जाते हैं, और जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है और वो जाते हैं आमने सामने बिठाकर पूछताछ होती है, तब ये गिरफ्तारी होती है। तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई अब तक जो हुई है वो सही हुई है और इंसाफ आपको ईडी की तरफ से मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आशंका 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 आलम की राजनीतिक करियर 46 साल की है। 46 साल में एक विभाग उनमें नहीं लगा है। विभाग छवि के नेता रहे थे, बड़े नेता रहे, जाने माने और अच्छे नेता रहे, और इस एक कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश के बड़े चेहरा और बड़े नेता है। आपको पता है जिस पद से थे, जिस मंत्री पद में था, उस गरिमा को रखते हुए जब ईडी ने उनको सम्मान जारी किया तो पहली सम्मान में वो सम्मान के साथ गए और ईडी की पूरी पूछताछ में कोशिश किया,
और जिस तरह से कोऑपरेट करने के बावजूद दूसरे दिन भी वो उनको बुलाया जाता है। पहले तो बोला जाता है कि आप 5 दिन के बाद आइए, और फिर बोला जाता है कि नहीं ऊपर से आदेश आ रहा है आप कल ही आइए। आदेश आने के बाद फिर जब उनसे पूछताछ की जाती है, पूछताछ करने के बाद वो सारी सवालों का जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद होता क्या है कि भाई अचानक से बोल दिया जाता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो वो पूछते हैं कि किस बात पे हमें अरेस्ट किया गया, तो बोलते हैं कि आपके जेई ने बोला था ऊपर से नीचे तक कमीशन जाता है, तो मंत्री जी ने बोला कि जेई को मेरे सामने बैठा के और 1-to-1 कराइए। तो वो बोले नहीं, ये आप अब कोर्ट में देखिएगा, अब इस तरह की मामला है और जो भी है, तो कोई आधार नहीं था। जिस तरह से उनकी छापी है तो जुमिल करने का, एक मिनट मैं आपसे मेरी पूरी बात से जानने दीजिए। जिस तरह से हरकत इनकी रही है, 4 सीटों में जो चुनाव हुई है, जिस तरह से चारों का चारों महागठबंधन जीत रहा है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र से जैसे ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया, उसी तरह आलम को इन्होंने जेल भेजने का काम किया। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आप अगर तथ्य तो हमें बताए ना, मैं ईडी ऑफिस में था कल 10:30-11 बजे तक, आप बताए हमें क्या तथ्य गिरफ्तार करने का। अभी आपको तो खैर नहीं बताएंगे। खैर मैं एक चीज और बोलूंगा, उसके बाद में प्रेम मित्तल जी के पास चलूंगा। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा मीडिया ट्रायल, सर देखिए ना तो मैं उस सब उस टाइप का पत्रकार हूं कि मैं प्रधानमंत्री से पूछूं कि आपने आप आम कैसे खाते हैं, छीलकर खाते हैं कि उसको दबा दबा कर खाते हैं। सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए ना सर, ना मैं तो उस तरह से नहीं पूछ सकता उनसे ना आपसे। सर मैं तो ये पूछूंगा नहीं कि आप आम कैसे खाते हैं, है ना। मैं तो सर ये जो है बात वो पूछूंगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं आपसे ऐसे सवाल कर लेता हूं, इसको आप मीडिया ट्रायल ना कहें। मीडिया ट्रायल तब हो जाए जब हम जजमेंट और फैसला यही करने लग जाएं, और वो मेरा काम नहीं है सर। मेरा काम है आपकी राय सुनना, जनता तक पहुंचाना, और इनसे जो ये सरकार में बैठे हैं केंद्र में, जिस तरह से मंत्री के नौकर के पीए के यहाँ पैसा मिलता है और वो पीए दो मंत्री बीजेपी के रहते हैं, तो उसके ऊपर शक नहीं किया जाता है। नहीं एक सेकंड, अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप यही बात तो कह रहे हैं। देओल साहब ने क्या कहा अभी, आपने सुना नहीं? आपके सीनियर लीडर बैठे हैं और आपके सहयोगी हैं, उनको उनकी बात तो सुनिए, उनकी बात का ही सम्मान कर लीजिए कम से कम। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा कहने का मतलब सर ये है। अब इसी में अगर मैं आपसे सवाल कर दूं कि आप किसी को रखते हैं तो कम से कम उसके बारे में जानते हैं ना, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि बड़ी बात जो थी वो देओल साहब क्या बोल चुके थे, इसलिए मैंने उसके आगे फिर कोई बात नहीं कही। नहीं रखते हैं, उसको जानते हैं आप, एक्सरे मशीन तो कोई लगा के रखता नहीं है। नहीं एक्सरे मशीन नहीं, लेकिन किसी का सर प्रोफाइल पता होता है हमें कि हम किसको रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। क्या प्रेम मित्तल जी, प्रेम मित्तल जी अभी और कौन कौन है रडार में जो ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है चुनाव में? देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई प्लानिंग अपने ढंग से नहीं करती है, वो तो ईडी से आप पूछिए कि और कौन कौन है रडार में, लेकिन मीडिया के मार्फत ही। अच्छा झारखंड में बता दीजिए भ्रष्टाचारी कौन कौन है आपकी नजर में? भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो हमारी लड़ाई आखिरी तक चलेगी, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि झारखंड की धरती पर कहा है कि कोई चोर बचेगा नहीं। तो इनमें इनके भी नाम रहेंगे क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सर, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ईडी का खुद ही का आया है ना, आप जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड सर प्रफुल्ल, एक सेकंड अरे मित्तल जी, ये एक्चुअली जब चर्चा शुरू कर रहे थे तो ऐसी मेरे दिमाग में कुछ नाम आ रहे थे तो मैं नोट करता जा रहा था। मैंने कहा था प्रेम मित्तल जी जुड़ेंगे तो उनसे पूछ लूंगा मैं, जो भ्रष्टाचारियों पर आप भ्रष्टाचारियों को आप जो छोड़ेंगे नहीं, ये आपने जो प्रण लिया है ये अच्छी बात है, ये उसमें इनके नाम है क्या? एक एक करके बता दीजिए, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार हेमंत विश्व शर्मा, ये वाले सारे नाम आते हैं या ये अब बाहर आ गए, मतलब इससे अब चूंकि अब आपके साथ हैं? और ये भी बता दीजिए इसके साथ ही साथ, आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन, अगर कल को ये लोग भी कोशिश करें सर तो क्या बात बनेगी कोई जो सर्टिफिकेट है भ्रष्टाचार मुक्त वाला बांटने की? अब जवाब दीजिए आराम से सर। ठीक है बोलने दीजिए। जो नाम आपने गिनाया ना, किसी के विरुद्ध जांच खत्म नहीं हुए हैं,
ईडी के जांच या कोई भी जांच एजेंसी की जांच खत्म नहीं हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ा हो गया तो उसके विरुद्ध जांच खत्म हो जाएगी। केवल एक प्रफुल्ल पटेल की बात है, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर तीन केस है। एक केस में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट जरूर हुआ है, लेकिन वो भी पहले से क्लोजर रिपोर्ट रेडी था। कितने में जमानत पर है सर? उनके आने के बाद पहले से ही रेडी था वो, क्लोजर रिपोर्ट एक दिन में नहीं तैयार होता है। अभी एक केस में, तीन केस है उनके ऊपर। कितने में जमानत पर है सर? किसी के ऊपर भी कोई भी जांच बंद नहीं होने वाली है। लोग भ्रम। अजीत पवार कितने केसों में जमानत पर है सर? सब सब सबके ऊपर, या तो बेल में है या फिर उनका जांच चल रहा है। अजीत पवार कितने केसों में जमानत पर है? नारायण राणे कितने केसों में जमानत पर है? अजीत पवार कितने केसों में जमानत पर है? और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताने वाली बीजेपी हिमंत बिस्व शर्मा कितने केसों में जमानत पर है सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप लगातार बोले जा रहे हैं, हमारा तो सुन ले रहे हैं, तो सवाल बेकार है ना पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे तो जवाब भी सुनिएगा ना, कि हर सेंटेंस पे काउंटर कीजिएगा आप। सर मैं पूछूंगा ईरान पर, आप तुरंत पर जवाब देंगे? मैं तो सर करूंगा काउंटर, प्लीज सॉरी। आप सवाल करिएगा तो जवाब भी सुनिए का क्षमता रखिए ना। कट टू कट सर प्लीज, समय बहुत कम होता है देखिए, इसलिए बोलिए बोलिए बोलिए। अगर दो मिनट बोलते हैं तो आधा मिनट हमको भी तो बोलने दीजिए, जिससे आप सवाल। आप तीन मिनट लीजिए, चलिए बोलिए सर। आधा मिनट जवाब भी नहीं देने दे रहा है तो पहले जितना चीज आपके मन में सारा बोल लीजिए आप। ऐसा थोड़ा ही होता है, अभी बोलेंगे कि सर समय इसी में काउंट हो रहा है आपका तीन मिनट। जनता के लिए, जनता के, आपने जो सवाल उठाया वो जनता के सवाल हो सकते हैं, जनता को जवाब तो सुनने दीजिए, आप ही के व्यूअर है ना। अरे बोलिए तो सर, अब बोलने नहीं दे रहा। मैंने कहा कि किसी के विरुद्ध भी जांच बंद नहीं हो रही है, जांच सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी जांच एजेंसी की जांच बंद नहीं होती है। और जांच शुरू होने का मतलब यह कि वो दोषी है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ही है, ऐसा भी नहीं होता है। कोई आरोप लगते है, कोई लिंक मिलता है, जांच शुरू होती है, और जांच किसी के खिलाफ भी बंद नहीं होती है। और रह गई झारखंड की बात, हमारा तो सीधा सा कहना, आप तो बच्चा बच्चा जानता है, झारखंड के हर मंत्री का हाल जानता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर तो नगद पकड़ा है 32.5 करोड़ रुपए, तो पीएस के नौकर के घर में पकड़ा है, उसके अलावा उनके दफ्तर से पकड़ा है। और ये जो घर में, जिस घर से नोट पकड़ाए गए वो मात्र 3-4 महीने पहले लिया गया, माने सब 3-4 महीना पहले का, इस 3-4 महीना के अंदर का ही खेला है। इस समय कौन मंत्री है? आज मंत्री दायरे में आ गए हैं ईडी के जांच के, और अगर वो जेल चले गए हैं और रिमांड पे लिया गया अभी, तो और बातें सामने आएगी। और भी लोग इस नेक्सस में जो भी लोग शामिल है, सब पकड़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आलमगीर आलम साहब, उनके मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन आलमगीर आलम साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? इस्तीफा तो देना चाहिए ना, हम मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी आखिर होगा ना, न्यायालय है ना। सर अजीत पवार आज की तारीख में कौन है? अजीत पवार आज की तारीख में कौन है? अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। कौन है क्या क्या मतलब है? जांच चल रही है ना उन पर। हाँ चल रहा है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? तो यहाँ जांच नहीं, यहाँ अरेस्ट हुए हैं। इनके खिलाफ सबूत मिला? बिना सबूत के पुख्ता कोई वो नौबती तो नहीं आई ना सर, वो नौबती तो नहीं आने दी उन तक, के वो भी जमानत पर बाहर होते सर अभी। खैर यही राजनीति है। देओल साहब चूंकि चर्चा लेट से शुरू हुई है तो माफी चाहूंगा, एक फाइनल कमेंट जरूर कर दीजिएगा सर। एक देखिए, मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से जांच हिमंता बिस्वा शर्मा, अजीत पवार वगैरह पे चल रही है, वैसी जांच हेमंत जी और आलमगीर आलम के साथ भी चले। हमको कोई इसमें, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जिस तरह से उनको ट्रीट कर रही है, मतलब दोषियों की तरह, उसके लिए सर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बीजेपी। नहीं नहीं, मैं तो ज्वाइन किए बिना भी नहीं, बीजेपी का बहुत बड़ा दिल है, वो कर लेगी, क्योंकि वो जनता को दिखाना है ना उनको कि भाई वो, हम एक ही तराजू से सबको तोलते हैं, अलग अलग नहीं तोलते। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो जनता देख रही है कि अलग अलग तराजू से तोल रहे हैं। और कल देखिए आपके हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा यहाँ पर,
कि आप हमको 400 वोट इसलिए चाहिए कि उसके बाद बाबरी के बाद ज्ञान व्यापी का मतलब है मथुरा का है। और दूसरा सबसे बड़ा देखिए हंसी किस बात पे आती है कि इनको अब ये पीओके चाहिए, हमको वोट दो कि हम पीओके लेके आएंगे। पहले तो सीए में इन्होंने कहा मुस्लिम्स को हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो पीओके के 40 लाख मुस्लिम को ये क्या करेंगे ये भी बता देना चाहिए था, खाली पीओ को लेके आएंगे। अच्छा, इस पर पूछना बनता है देव साहब, चूंकि समय की कमी है लेकिन मेरा मन कर रहा है पूछने का, तो प्लीज मैं आपको रोक के जरा इन्हीं से पूछ लेता हूँ। सर ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, इसमें एक बार जवाब दे दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात कही है, हालांकि समय कम है, 20 सेकंड में प्लीज कोशिश करिएगा कि जो पीओके वाले आएंगे सर उनको मिलेगी नागरिकता। चलिए फोन कट कर गया देउल साहब, और यही होता भी है खैर। चलिए कोई बात नहीं, इसमें ना मेरी गलती ना आपकी गलती और ना प्रेम मित्तल जी की गलती ना रियाज भाई की गलती, समय की कमी है सर, माफी चाहूंगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ खास चर्चा में जोड़े। रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देउल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रेम मित्तल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल उठा था आलमगीर आलम से, पहुंच गया पीओके तक, लेकिन यक्ष प्रश्न अपनी जगह बना हुआ है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां कहां तक। न स्याही की दोस्त न सफेदी की दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।